न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शहीदी दिवस पर 23 सितंबर को रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के शिलान्यास से पहले मनेठी एम्स संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है और ऐलान किया गया है कि यदि 2 अक्टूबर तक ओपीडी और कक्षाएं शुरू नहीं की गई तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके लिए महापंचायत भी बुलाई जाएगी। 2 अक्टूबर 2018 से पहले करीब 127 दिन तक आंदोलन करने वाली संघर्ष समिति ने इसका तर्क भी दिया और कहा कि गुरुग्राम के बिनोला में करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री की ओर से डिफेंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया था। हालात सब जानते हैं और क्या कुछ कहा एम्स संघर्ष समिति के लोगों ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। ये एम्स संघर्ष समिति मणिठे की तरफ से ये प्रेस वार्ता है और ये बड़े क्रूशियल जो हालात हैं उसके बीच में बुलाई गई है कि एक तरफ ये सुनने में आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 23 सितंबर को उद्घाटन करने जा रहे हैं एम्स माजरा एम्स निर्माण करने के लिए, तो हम और पूरे प्रदेश और ख़ासतौर पर दक्षिणी हरियाणा की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। लगातार हम मांग कर ही रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो, परंतु एम्स संघर्ष समिति का ये कहना है कि केवल शिलान्यास करने से निर्माण नहीं होगा, नहीं तो जो बिनोड़ा मानेसर के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हो रहा है 10 साल का अरसा हो गया, उस पर धूल जम चुकी है, वहाँ अभी निर्माण नहीं हुआ। अगर एम्स का शिलान्यास करें, सवाल है इसका निर्माण करने का, जो महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसमें हमने सरकार के सामने और हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने ज्ञापन के मार्फत, ईमेल के मार्फत, डीसी की मार्फत हमने एक मांग रखी थी जो बहुत ही वाजिब मांग थी। मांग ये थी कि एम्स माजरा एम्स निर्माण का कार्य होता रहेगा, उसमें एक टाइम लगेगा, ये भी हम मानते हैं, और अगर तब तक ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू की जाए, तो आप पूछ सकते हो कि भाई जब निर्माण ही नहीं हुआ है तो ओपीडी और एमबीबीएस कहाँ से आएगी। तो जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो 22 एम्स देश में बननी है, उसमें हमने ऑन रिकॉर्ड ये पाया कि 9 एम्स ऐसी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर है। जैसे मनेठी के अंदर 4 दीवारी का टेंडर किया गया है, यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, जमीन कंप्लीट हो चुकी है। एक है एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में, दूसरी है गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हैं, ये सारी जो मनेठी है उसी फुटिंग के ऊपर हैं। ये एक है मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, बठिंडा पंजाब में, बीबी नगर तेलंगाना में, दियोगर झारखंड में और मदुराई तमिलनाडु। ये 9 एम्स हैं, इस 9 एम्स के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, परंतु सरकार ने एम्स के नाम से, जैसे रायबरेली एम्स के नाम से, गोरखपुर एम्स के नाम से, तमाम एम्स के नाम से ओपीडी और एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दी। जैसे सैनिक स्कूल यहाँ था, उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई तो कई लंबे सालों तक, अरसे तक सैनिक स्कूल रेवाड़ी में रहा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं सरकार से कि ये जो 9 जगह जो जिस पैटर्न के ऊपर शुरू की गई हैं, आप ओपीडी शुरू कर दें, आप एमबीबीएस की क्लासेस शुरू कर दें, एमबीबीएस का सेशन इस बार निकल गया, अगली साल से शुरू कर दें, ओपीडी आप शुरू कर दें, रेफरल सेंटर बन जाए और माजरा एम्स के नाम से बन जाए, तो अगर वहाँ 9 जगह है तो यहाँ क्यों नहीं है। परंतु बड़ी वेदनादायक बात है कि हमारे जो मेमोरेंडम हमने दिया उसका कोई जवाब ना तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने दिया और ना ही सरकार की तरफ से कोई बात आई।
आपने किन किन को दिया था? हमने ये मेमोरेंडम अपने स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री को दिया, हमने ये प्रधानमंत्री के नाम भेजा, हमने स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार को दिया, हमने राव इंद्रजीत सिंह को दिया, हमने डॉक्टर बनवारी लाल को दिया, हमने तमाम को ये दिया गया। एम्स के जो हेड हैं उनको भी दिया गया और विद प्रूफ दिया गया कि आप उनकी वेबसाइट पर जा करके तमाम देख सकते हो। हम भी वहीं से निकल कर आए, समझ कर आए इन बातों को, तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये करें। तो ये सरकार इस बिंदु के ऊपर बहरी और गूंगी बनी बैठी है और दूसरी तरफ शिलान्यास की बात कर रही है। तो हमें डाउट है कि शिलान्यास कर भी दिया जाएगा तो इसको पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा, और अगर OPD MBBS क्लासेस शुरू हो जाएगी तो लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगा, तब है एम्स का निर्माण। कि एम्स का मतलब यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो, तो इसमें टाइम लगेगा। अब चार दीवारी का जो टेंडर दिया गया जिस कंपनी को, उसका 10 महीने का टाइम है, 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तो एक ईंट लगी नहीं है। फिर वो चार दीवारी भी क्या है, चार दीवारी अपना एक कब्जा पुख्ता करने के लिए है कि जो जमीन दी गई है उस जमीन को अपनी चार दीवारी करके उस पर कब्जा ठीक ढंग से ले लिया जाए, तो उसमें अभी निर्माण नहीं हुआ है। तो चार दीवारी होगी फिर उसके लिए फिर टेंडर निर्माण का चलेगा, निर्माण का टेंडर की बात हुई नहीं है, शिलान्यास अभी तक विधिवत रूप से हुआ नहीं। तो हम ये कहते हैं कि आप शिलान्यास कीजिए आप, और 23 तारीख को कीजिए आप, जनता की मांग है। परंतु ये नौ जगह जो स्टेट के अंदर जो एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर है, उसी फुटिंग के ऊपर आप माजरा के अंदर भी आप करें। तो सरकार की अगर नीयत सही है, सरकार की नीयत मर खोट नहीं है, और अगर सरकार इसको वोट की फसल के रूप में नहीं लेना चाहती है, तो आप OPD और MBBS शुरू कर दें, हम ये कह रहे हैं। नहीं तो एम्स संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि 2015 में घोषणा हुई थी, 2023 है, कंप्लीट 8 साल हो गए। 2015 में जब घोषणा हुई थी तो उस समय बावड़ में जो घोषणा हुई थी तो मुख्यमंत्री ने बाद में कहा कि उत्साह में घोषणा कर दी गई थी। 2018 2 अक्टूबर 2018 से आंदोलन शुरू हुआ, आम लोग आगे आए निकल करके, और एक एम्स संघर्ष समिति का निर्माण हुआ, और अब 2 अक्टूबर 2023 से हम एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हम 2 अक्टूबर को वहाँ पर, हमारे 5 साल संघर्ष के हैं और संघर्ष भी गौरवमय संघर्ष रहा है। यह इस इलाके का पहला आंदोलन है जहाँ लोगों ने अपने खुद सद्बुद्धि से, अपने विवेक से, खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के, किसी की अम्ब्रेला नहीं ली, किसी ने कोई सहायता भी नहीं दी किसी भी तरह की, लोगों से पाई पाई इकट्ठा करके इस आंदोलन को खड़ा किया इस जमीन के ऊपर, जहाँ लोग मंत्रियों के ऊपर, सरकारों के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, वही करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। लोगों ने कर दिखाया। एम्स यहाँ से भाग रही थी, भागते हुए एम्स को रोक लिया लोगों ने, माजरा के लोगों ने जमीन दे दी और बेस कीमती जमीन दे दी। तो 2 अक्टूबर 2023 को हम लोग वहीं आंदोलन जो हमारा हुआ था वहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे, और आंदोलन करते करते, धरना शुरू करते करते, आने वाले दिनों में एक महापंचायत बुला करके हम निर्णायक फैसला लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हम लोग बावड़े नहीं हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कुछ चुनाव का गेम तो नहीं खेला जा रहा हमारे साथ। तो हम सरकार से ठोस बात करना चाहते हैं, आप OPD MBBS शुरू करें, ये हमारा कहना है मोटे रूप में। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 23 को, कह भी रहे हैं कि क्या विश्वास नहीं है, क्या कुछ ऐसा है कि आप इतनी देखा, हमें सवाल विश्वास और अविश्वास की नहीं है, सवाल है कि आए तो अच्छी बात है, शिलान्यास के तो हम चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि बढ़े, परंतु हम हताशा निराशा इसलिए हैं कि हमें पहले भी ये कहा गया था बनने वाली है। रात को तहसील का दरवाज़ा खुल गया था जब घोषणा करी प्रधानमंत्री ने लंबे आंदोलन के बाद कुरुक्षेत्र से, तो 200 एकड़ जमीन मनीठी गांव ने दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस मनीठी गांव को सरकार ने उस जमीन को देख लिया था और उसके बाद फिर उसको अरावली बता दिया, और अरावली वो आज भी नहीं है, हम इस विषय में नहीं जा रहे हैं। परंतु फिर कहा कि ये एम्स यहाँ नहीं बन सकती, फिर कहा कि मसाणी में बनेगी, फिर ये कहा कि बाढ़ में पहले एम्स है, यहाँ जरूरत भी नहीं है, तो ये बात उठी थी। तो हमें डाउट है
कि सरकार की नीयत में कभी कभी खोट लगता है कि जो पहले ये बात चली थी अब क्यों नहीं चलेंगे, तो लोगों ने आंदोलन से इस एम्स को यहाँ रोका है। जैसे कि आपने बताया कि एपीडी ओपीडी बाकी जगह भी चल रही है, तो किसको वजह मानते हैं यहाँ पर ये प्रपोजल नहीं आ पाया, आपका जवाब नहीं दिया गया? देखिए ये तो सरकार है, हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को रखे, गांव के आम आदमी की पहुंच तो एक सरपंच के पास होती है, सरपंच उस बात को बीडीओ के पास रखे। हमने तो बनवारे लाल जिसका हल्का पड़ता है हमने उसको भी कहा, हमने राव इंद्रजीत सिंह को विज्ञापन दिया, हमने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को भी दिया, हमने प्रधानमंत्री को भी दिया जो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, हमने ज्ञापन दे दिया है। परंतु हम तो सभी से मांग कर रहे हैं, हम तो इसमें हम तो शुद्ध भावनाएं हैं कि हमारे यहाँ इस इलाके में ये चीज आ जाए। लेकर भी थोड़ा अभी पहले संदेह बना हुआ है, तमाम अभी क्लियरिटी नहीं आ पाई है, उसको लेकर क्या कहना? ऐसा है कि हम तो अखबारों से पढ़ रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह नरेंद्र मोदी से मिले और 23 सितंबर को राव तुलाराम से के उस पर बुलाया गया है और एम्स का भी यहाँ उस दिन शिलान्यास होगा, परंतु ऑफिशियल लेटर तो अभी तक कोई नहीं आया है। और बेसब्री से लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आए लेटर हो। अगर पीएम आए और उद्घाटन करते हैं तो क्या संघर्ष समिति उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखेगी? देखिए हम पीएम से तो हमने कौन मिलने दे रहा है, मनोहर लाल खट्टर आया था यहाँ रेवाड़ी में, हम 5 आदि मिलने के लिए हमने प्रशासन को ने बुलाया, हम डीसी के पास गए, हमने कहा कि हम एक एम संघर्ष समिति तरफ से ज्ञापन देना चाहते हैं, बोला ठीक हम बात करेंगे। फिर उनका ही फोन आया प्रशासन का कि आओ आप ज्ञापन देना, ज्ञापन क्या देना हमें बताओ। हमने दारोड़ा रेस्ट हाउस में ठहरे हुए वहाँ ज्ञापन भेजना है, कौन कौन आदमी होंगे उनका आइडेंटिटी बताओ, बता दिया हमने 3 आदमियों की, और आप कब मिलेंगे बोलो आपको मिला देंगे, ये ज्ञापन है दे दिया हाथ में। और सवेरे जब हम बैठे थे अपने घर में, चलो अब फोन आएगा नहा धो करके और मगर बच्चों जल्दी खाना ले आओ, हमने सीएम से मिलना है, पुलिस वो भारी पुलिस आई और ऐसे पकड़ लेगी जैसे आतंकी आज काबू आ गया हो, और लेकर थाने में बैठा दिया। और फिर फोन पे फोन 6 बजे जब यहाँ से जा लिए दूर तक, फिर लेकर कोर्ट में पेश किया और फिर जमानत लेनी पड़ी। तो क्या मेरे साथ बीती हुई बात है? तो क्या लगता है कि संघर्ष समिति को कहीं ना कहीं फिर नजरबंद कर दिया जाएगा? कर देंगे तो भाई उनकी लाठी अब पालना स्याही अगर है, अगर एक जायज बात कर रहे हैं तो संघर्ष समिति लंबा संघर्ष किया था, पूरा हरियाणा जानता है कि उसके बाद जी सर स्टेप लिया गया घोषणा की, क्या उसको दरकिनार भी किया जा रहा है कहीं, उसको वो भी छटपटाता है, वो भी एक दुख कहने पीड़ा है आप लोगों की कि कहीं ना कहीं जो तमाम प्रोसेस चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको दरकिनार किया जा रहा है, क्योंकि एक आंदोलन का परिणाम था किसी नेता का। एक बात मैं समझता हूँ, मैं एक समाज शास्त्र स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, सरकारें एक चीज से डरती है कि लोग बोलना ना सीख ले, सरकार को ज्यादा डर ही होता है, और आज लोगों ने बोलना सीख लिया इस इलाके में, इसलिए वो डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा था कि एम संघर्ष समिति उंगली कटा करके शहीद होना चाहती है, ये अखबारों में आया था, उन्होंने कहा था, मीडिया में कहा था ये बात, सोशल मीडिया में भी आई थी। तो एम संघर्ष समिति उंगली कटा कर शहीद होना चाहती है, तो हम पूछ रहे 127 दिन तक जो 80 साल की बुजुर्ग महिलाएँ, 90 साल के बुजुर्ग लोग जो वहाँ से मणिट्ठी से और यहाँ पैदल आए और स्कूल जाने वाले बच्चों ने अनशन किया, क्या वो किस लिए शहीद होना चाहते हैं? वो भागती हुई एम्स को बचाने के लिए आंदोलन था। तो आप इन्होंने अपने एक्ट और कंडक्ट से आचरण से ये सिद्ध कर दिया है कि इनके लिए ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है, अगर आंदोलन नहीं होता तो ये काम नहीं होता, हम तो ये स्पष्ट कह रहे हैं। सेंटर का प्रोजेक्ट है तो सेंटर के मंत्रियों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, जो कि हमारे सांसद महोदय कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से हैं भी हैं। तो कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के नेता, उनका यह कहना था कि संघर्ष समिति पे भी सवाल खड़े होते हैं कि वो बनवारी लाल का तो पुतला जला देती है पर इंद्रजीत का नहीं जलाती। देखिए उसमें दो बात है कि सवाल ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में, हम समर्पित हैं एम्स को लेकर के। बनवारी लाल जी ने जो गलत बात की हमारा विरोध वहाँ था, परंतु हमने राव इंद्रजीत सिंह को भी लगातार ज्ञापन भेजे हैं, उन्होंने कम से कम इस ढंग की बातें नहीं की, हालांकि ये ठीक है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गंभीर प्रयास नहीं किए जो करने चाहिए थे, ये हम पब्लिकली कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की जो औरों ने की है। तो इसलिए एम संघर्ष समिति
किसी राजनीतिक नेता की जेब की चीज नहीं है। इसमें बहुत किस्म के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, एक मुद्दे को लेकर के हम संकेत हैं। तो इसलिए जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का पुतला फूंक देंगे, मुख्यमंत्री का फूंक देंगे, राव इंद्रजीत का फूंक देंगे। हमारे रास्ते में जो रोड़ा बनेगा हम उसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, शिलान्यास में भी यदि इसको आगे बढ़ा जाता तब क्या रणनीति होगी? क्योंकि अभी आपने कहा कि ओपीडी की आप डिमांड कर रहे हैं कि तब आंदोलन करेंगे यदि ओपीडी शुरू नहीं की जाती। यदि 23 तारीख को शिलान्यास नहीं हो पाता जैसा कि अभी दिख रहा है तो ये फिर कारण दूसरा है। हम जो समझते हैं कि एम्स का निर्माण को राजनीति का फुटबॉल बनाया जा रहा है कि इसको वेट किसको मिलेगा, क्रेडिट किसको जाएगा। अगर सरकार ये सोचती है कि इसने करवाया एन ने करवाया तो क्रेडिट वो लेगा बी रह जाएगा, तो सरकार इसको एक राजनीतिक का गेम बना करके हो सकता है कि इसको इस तरह लटकाए रखे, परंतु जनता की बलि नहीं देनी चाहिए, जनता की जायज मांग को नहीं देनी चाहिए। सरकार केंद्र की सरकार को कदम उठाने चाहिए, यहाँ ओपीडी एमबीबीएस क्लासेस शुरू करने चाहिए और शिलान्यास कर देना चाहिए। यहाँ क्रेडिट का सवाल नहीं है, यहाँ जनता के मुद्दे का जुड़ा हुआ सवाल है। ये वोट की फसल काटते रहेंगे, पहले भी काटी आगे भी काटते रहेंगे, जनता का इससे कोई संबंध नहीं है, हमको एम्स चाहिए। प्रधान जी क्या कहेंगे जिस तरह से अभी तमाम बातें बताई गई कि क्यों निराश है संघर्ष समिति? संघर्ष समिति निराश इसलिए है जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी जब से तो ये SOIL का मुद्दा उठा रहे हर चुनाव में, उनकी आख्या हमने दिया भाई जय हिंदता की चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। आज तक पानिया सैनिक स्कूल 40 साल होगी, एक प्लस टू लेवल का स्कूल, कोई बड़ा स्कूल नहीं है, प्लस टू लेवल का स्कूल 40 साल बाद आए। बिनोला में यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री शिलान्यास करके गया था, आज तक ईंट लगी। तो जब तक हम जनता अपनी आवाज खुद नहीं उठाएगी इन जनप्रतिनिधियों को कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये अपने वोट लेके जैतरा अपने बिल में बढ़ जाएगा, फिर 4 साल बाद फिर निकलेगा। यही डर है कि इलेक्शन के चलते तमाम प्रोसेस किया जा रहा है, एक बार होने के बाद भूल जाएंगे। बस ये एक साल पहले निकले से अपने बिल में आसी जनता से इनको कोई साहूकार को कोई मतलब जिम्मेदार किसको माने तमाम प्रोसेस? हमारी जो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं उनको मानते हम तो।